रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आई होप ऑल आर यू फाइन। आई एम योर उर्दू टीचर मिस कैसरा फ्रॉम बहरिया मॉडल स्कूल PNED सेकेंडरी विंग। आज की वीडियो में सबक शहीद के बारे में पढ़ेंगे। सबक शहीद दरअसल एक ड्रामा है और सबसे पहले जो है वो आपको ये बताती चलूँ कि ड्रामा क्या है, ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा दरअसल यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो ड्राओ से निकला है, जिसके मायनी अमल या अदाकारी या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ करके दिखाना। ड्रामा एक कहानी है जो अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन के सामने स्टेज पर पेश किया जाता है। बालफाज़े दीगर ड्रामा एक नकाली भी है, यानी नकल उतारना जिसे कहा जाता है, जो हरकत और तकरीर के वसीले से किया जाता है। ड्रामा शहीद के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं। मिर्ज़ा अदीब के बारे में मुख्तसरन मैं आप बयान करूंगी। आप 1916 में पैदा हुए और 1999 में आपने वफात पाई। मिर्ज़ा अदीब का पूरा नाम मिर्ज़ा दिलावर हुसैन अली और जो कलमी नाम है मिर्ज़ा अदीब है, यानी ये जो इनका नाम मिर्ज़ा अदीब है ये इनका कलमी नाम है। वालिद का नाम मिर्ज़ा बशीर अली था। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से आपने BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। तालबे इल्मी के ज़माने से ही आपको लिखने लिखाने का शौक़ था, इसीलिए मुख्तलिफ रसाइल में मज़ामीन लिखे। रिसाला साकी में अफसाना निगारी शुरू की। मशहूर रिसाले अदबी दुनिया में भी आपके मज़ामीन और अफसाने शाया हुए। आप रिसाला अदबे लतीफ़ के मुदय्यर भी रहे। इस दौरान आप रेडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखने लगे। एक एक्ट के ड्रामे लिखने में इन्हें बड़ी महारत हासिल थी, यानी एक किस्त पर मुश्तमिल ड्रामा जो है वो लिखने में महारत रखते थे। आपकी शोहरत की एक वजह आपकी किताब सहरा नवर्द के खतूत भी है। इसके अलावा इनकी तसानीफात में जंगल, कंबल, खाक नशीन, नाखून का कर्ज, मट्टी का दिया, सहरा नवर्द के रुमान, आंसू और सितारे, शीशा मेरे संग, फनकार, ख्वाबों के मुसाफिर, सतून, लहू और कालीन और पसे पर्दा, फसीले शब, शीशे की दीवार, मामू जान आपकी मशहूर तख्लीकात हैं। तलबा सबक शहीद को पढ़ने के हमारे कुछ मकासद हैं, जिनमें पहला मकसद ये कि इस सबक के इख्तिताम पर जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मुकालमा लिख सकेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा दरअसल दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत या गुफ्तगु करने को मुकालमा कहा जाता है। ये इसके अलावा जो है वो नए अल्फाज पर अराब लगा सकेंगे, नए अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तो हमारे सबक शहीद के मकासद थे। इसके अलावा जो है वो अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको सबक शहीद के बारे में बताऊंगी। अब ये जो है वो इसमें सबसे पहले हमें ज़माना बताया गया है जो कि 6 सितंबर 1966 का है। मकाम शहर कसूर की एक नवाही बस्ती है। जाए वकू एक दो मंजिला मकान का निचला कमरा। वक्त शाम का है। अब इसमें किरदार कौन कौन से हैं? रज़िया 11-12 साल की एक लड़की है और उस रज़िया की माँ, बाप शादा, शादा जो है वो इनकी इनकी पड़ोसन है और एक साया। साये से मुराद यहाँ पर एक फ़ौजी है और फ़ौजी का नाम है जावेद। मंज़र सितंबर 1965 की भारतीय बमबारी से जो है वो बमबारी के बारे में बताया गया है कि जिस मकान में ये लोग रिहाइश पज़ीर थे वो 1965 की जंग में जो है वो जंग में जो बमबारी की गई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो खस्ता हाल हो चुका था।
अब जो है वो इस सबक का ख़ुलासा कुछ इस तरह से है कि रज़िया का भाई जावेद एक पाकिस्तानी फ़ौजी था। एक साल कबल जावेद की सालगिरह के दिन रज़िया अपने भाई की सालगिरह मनाने का एहतमाम करती है, घर में झंडियां लगाती है, अपने पैसे जमा करके अपने भाई के गले में डालने के लिए एक हार खरीदती है। मगर जंग शुरू हो जाने के बायस जावेद महाजे जंग पर चला जाता है और कह जाता है कि वापस आकर पहन लेगा, मगर मुल्क व मिल्लत की खातिर फ़र्ज़ अदा करते हुए वो जंग में शहीद हो जाता है। एक साल बाद यानी 6 सितंबर को अपने भाई की सालगिरह के दिन इसे अपने भाई जावेद की शिद्दत से याद आती है जो अपनी सालगिरह के दिन शहीद हो गया था। रज़िया रोती है और इसकी उसके माँ बाप उसको तसल्लियाँ देते हैं। इतने में इनकी पड़ोसन शादा आ जाती है। रज़िया की माँ शादा से जावेद की बातें कर रही होती है कि रज़िया को सहन में एक साया नज़र आता है। वो इसको भाईजान कहकर मुखातिब करती है और पूछती है कि कहाँ थे आप। वो जवाब देता है वो हर जगह था। वो ये भी कहता है कि मुझे मालूम था कि मेरी प्यारी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो हार तुम अब मेरे गले में डाल सकती हो। रज़िया इसके गले में हार डाल देती है। इसके बाद जावेद चला जाता है और रज़िया ज़ोर से इसको पुकारती है। इसकी आवाज़ सुनकर इसके वालिदैन और शादा बाहर आते हैं। रज़िया इनको बताती है कि भाई अभी आए थे, इसने इनके गले में हार डाला है। बाप समझाता है कि जाने वाले कब लौट कर आते हैं। शादा हार नीचे पड़ा देखकर उठाती है और चीखे मारती है और कहती है कि हार पर खून लगा हुआ है। ये तो इस सबक का ख़ुलासा था। इस सबक का मरकज़ी ख्याल जो है वो शहादत के गिर्द घूमता है, यानी शहीद जो है वो कभी नहीं मरता और जज्बा शहादत लेकर जो घर से निकलता है एक फ़ौजी एक सिपाही, तो वो जो है वो उसके कदम डगमगाते नहीं हैं, बल्कि वो हक़ की खातिर अल्लाह के दीन की खातिर और मादर वतन की हिफाजत के लिए दुश्मनों से जो है वो लड़ पड़ता है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। हर हाल में जहाद में हिस्सा लेने वाला कामयाबी से हमकिनार होता है। अगर वो हक़ की खातिर जान कुर्बान कर दे तो उसे मालूम है कि वो शहीद कहलाएगा, और अगर जो है वो अमर होकर जंग से लौटता है तो वो एक गाजी कहलाएगा। एक फ़ौजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शहादत होता है। वो अल्लाह का नाम लेकर और इसकी खुशनुदी की खातिर मुजालिम के ख़िलाफ़ मैदान जंग में निकल आता है। फिर ज़माने की कोई ताकत और वक्त की कोई ज़्यादती उसे सरफरोशी से नहीं रोक सकती। जब तक के जुल्म के बादल छट ना जाएं, तब तक वो अपनी तलवार नियाम में नहीं रखता। कुरान की तालीमात के मुताबिक हम शहीद की ज़िंदगी का इदराक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़िंदा होता है और अल्लाह दुश्मनों के मुकाबले में उसे तन्हा नहीं छोड़ता और इसे फताह कामरानी से हमकिनार करता है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वरे कुशाई। इस सबक का एक दो अहम जुमले हैं, उनकी तशरीह कुछ इस तरह से है। पहला जुमला है, माँ वतन ने मुझे पुकारा है, अब मैं किसी और काम के लिए नहीं रुक सकता। शायर ने क्या खूब कहा है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। ये जुमला एक फ़ौजी के जज्बात की अक्कासी करता है कि जब वतन पर मुश्किल वक्त आता है वो तमाम काम तर करके मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। इस जुमले में एक पाकिस्तानी फ़ौजी जावेद की शहादत और इसके घर वालों के गमों की अक्कासी नज़र आती है। ये जुमला जावेद की माँ अपनी पड़ोसन से उस वक्त कहती है जब वो शादा को जावेद की शहादत के बारे में बताती है कि एक साल पहले 6 सितंबर 1965 को जावेद की सालगिरह थी। वो घर आया था और इसकी बहन रज़िया ने सालगिरह का एहतमाम किया था।
और इसके गले में डालने के लिए हार भी ले रखा था। वो अलमारी से हार निकालकर भाई को पहनाने के लिए आ रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई और जावेद को महाज़े जंग पर जाने का हुक्म मिला, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। जब घर वालों ने जावेद को जाने से रोका तो उसने अपनी माँ को ये अल्फाज कहे, माँ वतन ने मुझे पुकारा है, अब मैं किसी और काम के लिए नहीं रुक सकता। इन अल्फाज से जावेद की बहादुरी, हिम्मत और वतन से मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। ये तो इस जुमले की तशरीह है। दूसरा जुमला है, शहादत को तुम क्या समझती हो, ये वतन की खातिर जान दे देना, ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। इस जुमले में एक पाकिस्तानी फ़ौजी जावेद की शहादत और इसके घर वालों के गमों की अक्कासी की गई है। मंदरजा बाला जुमला, जावेद का बाप अपनी बीवी फातमा से उस वक्त कहता है जब वो इसे रज़िया के गम के बारे में बताती है कि वो आज भी अपने भाई के लिए रो रही थी। बाहिम्मत बाप ने अपनी बीवी को शहादत की अहमियत बताते हुए तसल्ली दी और कहा कि शहादत कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये इन लोगों के हिस्से में आती है जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता किया है। इनका रुतबा बहुत अजीम होता है और वो दुनिया और आखरत में सुरखरू होते हैं, क्योंकि शहीद अपनी जान का नजराना पेश करके अपनी कौम को ज़िंदगी अता करता है। इसके मशकी सवालात में सवाल नंबर एक है, जावेद शहीद का ताल्लुक किस शहर से था? इसका जवाब है, जावेद शहीद का ताल्लुक शहर कसूर की एक नवाही बस्ती से था। नेक्स्ट सवाल है, जावेद के मकान की हालत किस वजह से ख़राब थी? जावेद के मकान की हालत भारतीय बमबारी की वजह से ख़राब थी। रज़िया क्यों रो रही थी? रज़िया इसलिए रो रही थी क्योंकि वो अपने भाई जावेद को याद कर रही थी। सालगिरह के मौके पर जावेद को क्या हुक्म मिला था? सालगिरह के मौके पर जावेद को ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला था, यानी उसे महाज़े जंग पर बुलाया गया था। रज़िया ने साया देखकर किसका नाम लिया? रज़िया ने साया देखकर भाई यानी जावेद का नाम लिया। शादा ने हार उठाया तो चीखकर क्या बोली? शादा ने हार उठाया तो चीखकर बोली, लहू लहू हार पर लहू है, सचमुच लहू है। ये इन सवालात थे और ये इनके जवाबात थे। अब इसके बाद एक सवाल और है जिसमें आपने जो है वो जुमले बनाने हैं, अल्फाज हैं, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है आराइश। आराइश का मतलब है सजावट। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी अम्मी घर की आराइश व ज़ेबाइश में बहुत दिलचस्पी लेती हैं। कप कपाहट, कांपना। अब जुमला इसका इस तरह से भी हो सकता है कि सर्दी की या बीमारी के बाइस मुझ पर कप कपाहट तारी हो गई थी। इसके अलावा जो है वो सआदत, मेरे वालदैन को हज की सआदत हासिल हो चुकी है या मेरे वालदैन को हज पर जाने की सआदत हासिल हुई। जाए वकू, जाए हादसे की जाए वकू पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। मधम, होटल के डाइनिंग हॉल में रोशनी बहुत मधम थी। शफक, आसमान पर शफक का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। शफक कहा जाता है जैसे सूरज निकलने या डूबने का वक्त, यानी आसमान पर नज़र आने वाली सुर्खी। दम बखुद हैरान रह जाना, हैरत ज़दा होना। कश्मीर में कुदरत के नज़ारे देखकर मैं दम बखुद रह गया। रख रखाव, तहजीब या तमीज़ को भी कहते हैं। इसका जुमला ये भी हो सकता है कि मेरे दादा बहुत रख रखाव वाले इंसान हैं। अब जो है वो तलबा आपने जो है वो इस सबक की बुलंदखानी करनी है और इसके बाद जो है वो सवालात के जवाबात लिखने हैं और आपने मज़मून तहरीर करना है हुब्बुल वतनी पर। इसके अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।